वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। जल भराव के कारण लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के बुनकर नगर, इस्लामाबाद आदि क्षेत्रों के बाशिंदे परेशान हो गए हैं। जन प्रतिनिधि, चाहे वह शहर विधायक रफीक अंसारी हो या फिर महापौर सुनीता वर्मा, सभी ने इस तरफ से नजरें फेर ली हैं। इस आशय का आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय नागरिकों ने इलाके में रफीक अंसारी व सुनीता वर्मा के खिलाफ लापता के बैनर लटका दिए हैं। नागरिकों का कहना है कि इन दोनों को ही चुनाव के दौरान देखा गया था और उसके बाद से ये इलाके के लिए लापता चल रहे हैं। बुनकर नगर व अन्य इलाकों की जन समस्याओं को लेकर नगर निगम में मंगल दिवस पर दंगल होने का ऐलान किया गया। बुनकर नगर व इस्लामाबाद में 50 से ज्यादा भैंस डेयरी संचालित हो रही हैं। नगर निगम की तरफ से ही इन्हें सफाई के लिए सब मर्सिबल लगाए गए हैं, लेकिन इनका प्रयोग गोबर नालियों में बहाने में किया जा रहा है। इसके कारण नाली व नाले चौक हो गए हैं। जरा ही बरसात में ही सड़कें नदी का रूप ले लेती हैं। इस समस्या को लेकर ही हाल ही में क्षेत्रीय पार्षद एहसान अंसारी के विरोध प्रदर्शन करने पर नगर निगम के प्रवर्तन दल के जवानों ने उन्हें हाथ पैर पकड़कर हवा में लटकाए रखा था। वह नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा को बुनकर नगर ले जाकर वहां की समस्या दिखाना चाहते थे। बीते दिवस इलाके में इसके चलते शहर विधायक रफीक अंसारी व महापौर सुनीता वर्मा के लापता होने के बैनर टांग दिए गए। बैनर लगवाने वाले इमरान ने यह जानकारी दी। इमरान भाई, होर्डिंग लगाए गए हैं आप लोगों की तरफ से, विधायक मेरे लापता है। देखिए, जहां आप लोग खड़े हैं, इलाका बुनकर नगर, किदवाई नगर, इस्लामाबाद रोड जो है, पिछले 4 महीने से यहां पर जल भराव की समस्या है। बिना बरसात के भी यहां पानी भरे जा रहा है, लेकिन ना तो नगर निगम की जो मेयर है हमारी और जो शहर विधायक हैं, उन्होंने यहां पर आकर झांका है। चुने हुए जनप्रतिनिधि है, वोट मांगने के लिए यहाँ जनता के पास आ जाते हैं कि हमें वोट दे दीजिए, और जनता झांसे में आकर वोट दे देती है। लेकिन आज इस नरक में जिंदगी जीने को जनता मजबूर है। दुकानदार दुकान खाली करके यहाँ से जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति में लोग यहाँ पर हैं, लेकिन वो लोग मस्त हैं क्योंकि आज वो जिन अपने अपने पदों पर आसीन है और उनको जनता की कोई फिक्र नहीं है। तो हमें लगता है शायद वो गुमशुदा हैं, भूल गए हैं इस इलाके को वोट लेकर। तो आज हमने ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये बैनर यहाँ लगाए हैं कि शायद वो यहाँ पर आकर जनता के दुख दर्द को समझ सके। देखिए, अगर वो नहीं मिलते, कई बार जनता उन लोगों के पास जाकर उन लोगों से अपनी मांग रख चुकी है, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आज ये बैनर हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लगाए हैं। अगर यहाँ पर वो नहीं आते हैं, नहीं यहाँ पर दिखते हैं, तो हम जो हमारा कानूनी रास्ता होगा वो अपनाएंगे। हम शायद संबंधित थाने में जाकर शिकायत करें कि हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि, मेयर और विधायक हैं, वो गुमशुदा हैं, पुलिस हमें तलाश कर कर दे उन्हें, ताकि हम समस्या उनसे रख सकें। क्या लगता है, नगर निगम के चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में क्या लोग इसको कैश कराते हैं, कुछ लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं? देखिए, नगर निगम चुनाव जो आने वाला है वो एक अलग चीज़ है, वो चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है पूरे 5 साल तक। लेकिन ये समस्या इतनी विकट हो चुकी है यहाँ पर, अंदाज़ा नहीं है शायद शहर के जो ये जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है यहाँ लोग किस हाल में जी रहे हैं। भाई, इसका मसला चुनाव से इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, ये लोगों की बेसिक और बुनियादी ज़रूरत का मसला है। लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। सोचिए आप एक बार, मैं कह रहा हूँ, मैं दावत दे रहा हूँ मेयर को और विधायक को कि एक बार इस इलाके में आए, पैदल दौरा कर लेना अगर हिम्मत हो, नंगे पैर इस पानी के में जहाँ पर लोग रोज़ निकलते हैं इस कीचड़ में, एक बार पैदल दौरा करके दिखाएं मुझे। चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए, हम लोग हर वो कोशिश करेंगे, चाहे हमें धरना देना पड़े, नगर निगम का घेराव करना पड़े, शहर विधायक के घर के आगे धरना देना पड़े, चाहे पुलिस के अंदर इन लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी पड़े, हम आखिर तक ये लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि ये लड़ाई हमारी जो हक है, सफाई का जो बेसिक हमारा जो बुनियादी अधिकार है साहब, जो हम यहाँ पर एक हाउस टैक्स प्रॉपर जा रहा है यहाँ से, मुझे बताया ना, यहाँ से हाउस टैक्स नहीं जा रहा है, यहाँ से बिजली का बिल नहीं जा रहा है मेरे भाई, यहाँ रोड टैक्स नहीं दे रखे हैं लोगों ने अपने वाहनों के, तो ये यहाँ पर नाइंसाफी क्यों है मेरे भाई? ये सवाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फास्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकॉन दबाना ना भूले। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।